वेलकम ऑल ऑफ यू इन SST कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस. दिस इज SS2 एडुपीडिया एंड माई सेल्फ मिसेस वैजयंती पाटिल, असिस्टेंट टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक ऑफ 11th इंग्लिश सब्जेक्ट, दैट इज फोर्थ सेक्शन फर्स्ट पार्ट, दैट इज हिस्ट्री ऑफ ड्रामा. दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हिस्ट्री ऑफ ड्रामा. Before going to start this topic, I would like to tell you that on this topic there will not be given any same passage or same paragraph. There will be memory based questions basically asked. In that questions, we have true or false, match the pairs, odd one out, chronological order, answer in one sentence, short notes, elements of the drama, types of the drama, or this. तरह के क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें इनके आंसर्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन टाइप में दिए जाते हैं. तो हमें याद रखना पड़ते हैं उनके आंसर्स, क्योंकि कोई भी सीन पैसेज इधर नहीं दिया जाता. दैट्स व्हाई. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक, लेट्स सी. अंडरस्टैंड द आइडेंटिटी, आइडेंटिफाइड ड्रामा एज अ जॉनर ऑफ लिटरेचर, लर्न द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा, the difference between drama and other forms of literature, basic elements of drama and types of drama. These are the objective of this chapter. So we will see the introductory part of this chapter. What is mean by drama? Drama is a performance which is essentially loud, exaggerated and larger than life. Drama बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए लिखा जाता है, बनाया जाता है, वो लाउड होता है और एग्जैगरेटेड होता है. एग्जैगरेटेड फॉर्म में या लैंग्वेज में वो परफॉर्म किया जाता है और लार्जर देन लाइफ होता है. इट इज अ स्टेज विस्पर इज फार लाउडर देन विस्पर इन रियल लाइफ, बिकॉज जो कुछ डायलॉग्स बोले जाते हैं स्टेज पे, वो ऑडियंस को सुनाई देने के लिए जो विस्पर होती है, कानाफूसी होती है, वो लार्जर होती है, लार्जर और लाउडर. विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो टर्म है, ये फिलोसोफर जो है और ब्रिटिश रोमांटिक पोएट ST कोलरिज ने इंट्रोड्यूस की थी, वो ड्रामा पार्ट में ज़्यादा यूज की जाती है. विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या होता है? इट मीन्स सैक्रीफाइस ऑफ रियलिज्म एंड लॉजिक फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट. कभी कभी हम ड्रामा को एंजॉय करने के लिए हमारे जो क्रिटिकल व्यूज होते हैं या जजमेंट होते हैं या लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो हम अवॉइड करते हैं. फॉर टर्म्स ऑफन अप्लाइज टू फिक्शनल वर्क्स ऑफ द एक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी एंड हॉरर जॉन्स. ये जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये जो टर्म ST कोलरिज इन्होंने दी थी, वो ड्रामा में बेसिकली ज़्यादा यूज की जाती है या अप्लाई होती है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि जो भी स्टेज में परफॉर्म हो रहा है वो रियलिटी से थोड़ा अलग है और एग्जैगरेटेड फॉर्म में दिखाया जा रहा है. हम उसको एंजॉय करने के लिए हमारे क्रिटिकल थिंकिंग्स या जो भी लॉजिकल थिंकिंग है, जजमेंट है, वो अवॉइड करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा, नॉवेल एंड पोएट्री? Drama is basically a medium of expression whereby performers express themselves artistically. Here जो characters होते हैं या actors होते हैं, वो perform करते हैं artistically. जो भी dialogues दिए जाते हैं, वो perform करते हैं. Novel, it is a story written in a narrative form. नॉवेल जो होती है वो नरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है. स्पेसिफिकली नॉवेल रीडिंग के लिए होती है और ड्रामा जो है वो प्रेजेंट किया जाता है स्टेज पे. सो पोएट्री इज अ लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड इन अ रिदम एंड मीटर. पोएट्री की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है ड्रामा से और नॉवेल से. रिदमिकल फॉर्म में या मीटर यूज किए जाते हैं पोएट्री में. बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज किए जाते हैं पोएट द्वारा. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा, नॉवेल एंड पोएट्री. सो लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ ड्रामा. इन योर टेक्स्ट बुक देर आर टू डेफिनेशंस आर गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल,
ड्रामा इज अ कम्पोजिशन इन वर्स और प्रोज टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज इन विच अ स्टोरी इज रिलेटेड बाई मीन्स ऑफ डायलॉग एंड एक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड विथ अकम्पनिंग जेस्चर्स कॉस्ट्यूम एंड सीनरी एज इन रियल लाइफ. ड्रामा दो फॉर्म्स में भी लिखी जाती है, वर्स फॉर्म में भी लिखी जाती है एज वेल एज प्रोज फॉर्म में भी लिखी जाती है. स्पेसिफिकली स्टेज पे एक्टिंग करने के लिए लिखी जाती है. इसमें जो ड्रामाटिस्ट है जो डायलॉग देता है उसके अनुसार जो एक्शन कैरेक्टर्स के द्वारा की जाती है वो रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत सारे जेस्चर्स वो यूज़ करते हैं, अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स भी यूज़ किए जाते हैं, सीनरी यूज़ की जाती है जब जब भी ये ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है स्टेज पे उस वक्त ये होता है ड्रामा. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. देन वी हैव सेकेंड डेफिनेशन विच इज गिवन बाय एम एच अब्राहम्स इन हिज बुक अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स. व्हाट ही इज गोइंग टू से, ड्रामा इज अ कंपोजिशन डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर इन विच एक्टर्स टेक द रोल्स ऑफ द कैरेक्टर्स परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्शन एंड अटर द रिटन डायलॉग. ड्रामा एक कंपोजिशन होता है, एक रचना होती है जो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन की जाती है थिएटर में, जिसमें जो एक्टर्स है या कैरेक्टर्स है जो ड्रामाटिस्ट ने इंडिकेटेड एक्शंस दिए है उसके अनुसार वो डायलॉग यूज करते हुए अपनी जो आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस है वो स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं. सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ ड्रामा गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो वी विल सी द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा. देर आर सेवन एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. इन पे आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सो वी विल सी द एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा. फर्स्ट वन प्लॉट, सेकेंड वन कैरेक्टराइजेशन, थर्ड वन डायलॉग, फोर्थ वन सेटिंग, फिफ्थ स्टेज डायरेक्शन, सिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड सेवेंथ थीम. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा. वी विल सी इन डिटेल लिटल बिट. बिफोर गोइंग टू स्टडी द एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा, देर आर सम फोर क्लोजली रिलेटेड एरियाज ऑफ फोकस. विच आर दे, द फर्स्ट द फोकस ऑफ द सीन, द फोकस ऑफ द ऑडियंस, द फोकस ऑफ द कैरेक्टर एंड द फोकस ऑफ द एक्टर. सो वॉट इज मीन बाई द फोकस ऑफ द सीन. ड्रामा ड्रामाटिस्ट जो है वो ड्रामा अलग अलग सीन में लिखते हैं. बहुत सारे जो उनकी जो थीम है या प्लॉट है वो अलग अलग सीन में डिवाइड किए जाते हैं. तो ये भी इम्पॉर्टेंट वन है प्रेजेंट करने के लिए. देन फोकस ऑफ द ऑडियंस इज वेरी इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि हर एक ड्रामाटिस्ट ऑडियंस को सामने रखते हुए अपने जो ड्रामाज है या प्लॉट है थीम है वो यूज़ करते हैं. उसमें ऑडियंस की जो भी फीडबैक है उनके रिएक्शन से उनको मिलते हैं. तो ऑडियंस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट और फोकस ऑफ दिस ड्रामा. द नेक्स्ट इज द फोकस ऑफ द कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स ये इम्पॉर्टेंट वन होते हैं कोई भी ड्रामा प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ड्रामाटिस्ट जो है जो लिखे हुए डायलॉग है वो एक्टर के द्वारा और कैरेक्टर्स के द्वारा ही स्टेज पे परफॉर्म किए जाते हैं. सो कैरेक्टर्स का इधर डोमिनेंट रोल है ड्रामा में. एंड द लास्ट वन वी हैव द फोकस ऑफ द एक्टर. कैरेक्टर और एक्टर, एक्टर ये वही कैरेक्टर होता है जो इंडिकेटेड एक्शंस दिए जाते हैं वो उधर प्रेजेंट करते हैं. एक्टर में भी एंटेगोनिस्ट हो सकता है या प्रोटेगोनिस्ट हो सकता है. सो दीज आर दी फोर क्लोजली रिलेटेड एरियाज ऑफ फोकस अकॉर्डिंग टू द ड्रामाटिस्ट. लेट्स सी द एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा. वी हैव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ड्रामा, दैट इज प्लॉट. प्लॉट होता क्या है, इट इज़ अ सीरीज और इवेंट्स ऑकरिंग इन अ प्ले. प्लॉट एक स्ट्रक्चर होता है और पैटर्न होता है जो इवेंट्स है वो सीरियल वाइज इधर प्रेजेंट किए जाते हैं. इट मीन्स प्लान, स्कीम और पैटर्न. इट हैज़ अ प्रॉपर बिगिनिंग, अ प्रॉपर मिडल एंड एंड. सो
कोई भी मूवीज ले लो या कोई भी ड्रामा ले लो, हर एक ड्रामा या हर एक मूवीज की एक अच्छी सी बिगिनिंग होती है, मिडल वन पार्ट रहता है और क्लाइमैक्स और एंड भी होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पैटर्न होता है, ये ड्रामा के लिए भी एप्लीकेबल होता है। सो दिस एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। देन वी हैव कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स द इमेजिनरी पर्सन शोन इन अ ड्रामा। कैरेक्टर जो होते हैं वो इमेजिनरी पर्सन्स होते हैं जो एक्शन जो है प्ले करते हैं या परफॉर्म करते हैं। द प्रोटैगोनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर इन अ प्ले। एक्चुअली कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटैगोनिस्ट भी हो सकते हैं और एंटागोनिस्ट भी हो सकते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज मेजर कैरेक्टर एंड माइनर कैरेक्टर। मेजर कैरेक्टर जो होते हैं वो एंटेगोनिस्ट भी हो सकते हैं और प्रोटेगोनिस्ट भी हो सकते हैं, और माइनर कैरेक्टर जो होते हैं वो दोनों के जो आजू बाजू में रहते हैं या सपोर्टिव कैरेक्टर्स रहते हैं। सो मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स में एंटेगोनिस्ट और प्रोटेगोनिस्ट आ सकते हैं। सो देर आर द अदर कैरेक्टर्स आर मेजर, माइनर, स्टैटिक एंड डायनेमिक, फ्लैट एंड राउंड। और जो कैरेक्टर्स में जो बदलाव आता है उनको हम डायनेमिक कैरेक्टर बोलते हैं, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती किसी भी कैरेक्टर में, तो फ्लैट होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। देन कैरेक्टराइजेशन, इट मीन्स टू रिवील पेक्युलैरिटीज ऑफ द कैरेक्टर, टू गेन इनसाइट इन टू देयर पर्सनैलिटीज, एस्टेब्लिश कनेक्शंस विद देम। एक्चुअली जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है थ्रू आउट द ड्रामा वो अलग अलग हो सकती है। पहले कोई भी कैरेक्टर सपोज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उनके लाइफ स्टाइल में चेंज आता है या कोई बदलाव आता है, तो उसकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंज होता है, वो होता है उनका कैरेक्टराइजेशन, व्यक्ति चित्रण हम उसको बोल सकते हैं। सो आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, जैसे कि जो कैरेक्टर पहले होता है मे बी एट द एंड वो कैरेक्टर बहुत बदला हुआ नजर आता है, इट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। ड्रामाटिस्ट जो है वो उसको स्किलफुली ये प्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी कैरेक्टराइजेशन है तो वो दिखाना चाहते हैं, उनके जो भी बदलाव आया है वो ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए कैरेक्टर्स जो है उनकी डेवलपमेंट दिखाई जाती है। सो फोर्थ वन, डायलॉग। डायलॉग एक किसी भी ड्रामा के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डायलॉग के थ्रू ही जो स्क्रिप्ट है या रिटन जो डायलॉग्स है वो बताए जाते हैं। इट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू स्पीकर्स, इसमें मिनिमम दो स्पीकर्स तो होने चाहिए, तभी डायलॉग पॉसिबल हो सकता है। लेकिन कभी कभी कोई कैरेक्टर खुद से भी बातें करता है, उसको हम मोनोलॉग भी बोलते हैं। मोनोलॉग टू स्पीक वन सेल्फ, हम हमारे साथ ही कभी कभी बातें करते हैं। हमारे लाइफ में भी ऐसी कभी कोई कोई सिचुएशन आती है कि हम खुद के ही साथ बातें करते हैं, हमारे माइंड में हर वक्त कोई ना कोई विचार शुरू रहते हैं। लेकिन जब एक कैरेक्टर या एक्टर जो है वो खुद के साथ कभी बात कर रहा है स्टेज पे, तो थोड़ा लाउडर होता है, क्योंकि वो ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, तो इट इज कॉल्ड मोनोलॉग। सोलिलोक्वी भी यूज की जाती है, इट इज कैरेक्टर्स थॉट प्रोसेस एक्सप्रेस अलाउड, ये भी लाउडर साउंड में प्रेजेंट की जाती है कैरेक्टर्स द्वारा। इट रिवील्स द नेचर ऑफ द कैरेक्टर एंड गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रिलेशंस। एक्चुअली शेक्सपियर ने बहुत सारे सोलिलोक्वीज उसके ड्रामा में यूज किए थे। आपको भी मालूम है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इस तरह की जो सॉरेल की बहुत ही फेमस वन है, इट जो ड्रामा में यूज की जाती है। सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट वी हैव स्टेज डायरेक्शन। स्टेज डायरेक्शन आर बेसिकली गाइडलाइंस और सजेशंस गिवन बाय द ड्रामाटिस्ट। परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी अलॉन्ग विद द यूज ऑफ सेट लाइटनिंग, म्यूजिक एंड कॉस्ट्यूम्स। स्टेज डायरेक्शन होती है वो गाइडलाइंस होती है जो ड्रामाटिस्ट देता है, तो वो इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस है वो एक्टर्स या कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से कब किसकी एंट्री होने वाली है, किधर से होने वाली है, एग्जिट कब होगी, लाइटिंग इफेक्ट, कौन सा डायलॉग आने के बाद सेटिंग चेंज करनी है, ये सब जो सजेशंस होते हैं वो गाइडलाइंस होते हैं, उनको स्टेज डायरेक्शन बोले जाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ड्रामा। देन नेक्स्ट वी हैव कॉन्फ्लिक्ट।
कॉन्फ्लिक्ट इज अ सेंस ऑफ ड्रामा, ए बहुत ही इम्पोर्टेंट वन होता है. इट एनलाइटन्स लाइफ, ग्रांट्स डिग्निटी एंड वर्थ टू ह्यूमन लाइफ. कॉन्फ्लिक्ट हर एक के लाइफ में जरूरी होती है, तभी तो हमारे लाइफ को भी मीनिंग आता है. जो हमें हैप्पीनेस या जो हम सेटिस्फाइड लाइफ बोलते हैं, वो जब हम समझते हैं तब समझते हैं जब हमारे लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, संघर्ष आते हैं. सो इट इज़ द एसेंस और सोल ऑफ द ड्रामा, क्योंकि संघर्ष जो है वही ऑडियंस के माइंड में भी इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी पैदा कर सकता है. सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, इधर मैंने एक पिक्चर भी यूज़ किया है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एंटागोनिस्ट और प्रोटैगोनिस्ट के बीच में, यही जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑडियंस के माइंड में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ड्रामा. देन नेक्स्ट वन वी हैव थीम. थीम इज द मेन आइडिया और पॉइंट ऑफ अ प्ले स्टेटेड एज अ जनरलाइजेशन. थीम एक थीम मतलब सेंट्रल आइडिया होती है ड्रामा की. हम कोई भी फिल्म या मूवीज वगैरह देखते हैं, कोई भी ड्रामा देखते हैं, तो उसकी थीम हम एक दो वर्ड्स में या वन सेंटेंस में भी बता सकते हैं. जैसे कि कोई लव थीम होती है, पैट्रियोटिक मूवी वगैरह हम देखते हैं, नेशनलिज्म होती है, कोई सोशल इश्यूज उसमें डिस्क्राइब किए होते हैं. तो ये जो थीम होती है इट इज़ अ जनरलाइजेशन, इट इज़ अ सेंट्रल आइडिया. एग्जाम्पल, रिवेंज एंड जस्टिस इज द मेन थीम ऑफ हैमलेट. हैमलेट जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, इसकी जो थीम है वो रिवेंज एंड जस्टिस है. सो जो थीम है इट इज़ अ मेन और सेंट्रल आइडिया. So these are the seven elements of the drama. In this part we have seen the definition of drama, the four focus related to the drama, as well as seven elements of drama. In next part we will see the next remaining part of this chapter. Till then, thank you.